हाय चैनल, वेलकम टू माय गाइस। मैंने जब से मीम देखा ना, मेरा बड़ा दिल था कि मैं एक बार तो ये वीडियो की शुरुआत ऐसे करूं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मेरी बहन कहती है, नहा धोके मैं गुड बॉय बन गया हूँ। मेरी बहन तो गुड गर्ल कहती है, तो मैं गुड बॉय हूँ। वो रही मेरी प्यारी सुंदर बीवी ब्रेकफास्ट बनाते हुए। आज कुकू की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ब्रेकफास्ट बनाने की, क्योंकि मैं सुबह से काम कुम कर रहा था, फिर मैं नहाने चला गया। मैडम बताने वाली कि एक एवोकाडो में कितनी कैलोरीज है। कितनी कैलोरीज है? कैलोरीज नहीं, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल? मैडम को मेरी कोलेस्ट्रॉल की बहुत टेंशन होती है दोस्तों। 14 ml एक एवोकाडो में। 14 mg तो फैट कितना है? फैट तो गुड फैट है, वैसे बट वो ये प्लांट बेस्ड में दोस्तों होता ही नहीं है। मेरा फिर से कोलेस्ट्रॉल हाई आया है और कीरत स्ट्रिक्टली बोल दिया है, अब मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार पनीर खा सकता हूँ। एक बार पनीर भी एक बार, और इसका प्रोटीन सोर्स भी हम चेंज कर रहे हैं। मैं प्रोटीन पाउडर भी चेंज करूंगा, क्योंकि जो मेरा वे प्रोटीन है उसमें एक स्कूप में 115 mg कोलेस्ट्रॉल है। सो आई हैव टू ब्रिंग माय कोलेस्ट्रॉल डाउन। 3 महीने बाद फिर से जाके टेस्ट होगा। एंड किसी ने ये भी बताया था कि साउथ सरी में चले जाओ, वहां पे इमरजेंसी में कम रश होता है, क्योंकि मेरी फिंगर में पेन है। बट परसों मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, सो नाउ आई एम जस्ट वेटिंग कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चला जाऊं। मैं ऐसे कर रहा हूं तो कोई पेन नहीं है, बट इवन इफ आई पिकिंग माय लैपटॉप और अ प्लेट तो यहां पे बहुत पेन होने शुरू हो जाती है। पता नहीं क्यों, क्या सीन हुआ। आई होप फ्रैक्चर ना, बस बैठे बैठे ऐसे ही ठीक हो जाए हफ्ते दो हफ्ते बाद। दोस्तों, दुनिया का सबसे अल्टीमेट टेबल, मल्टी पर्पज टेबल पे खाना खाया जा रहा है, एंड ये बनाया मेरी बीवी ने। सामने चलेगा शार्क टैंक, यूट्यूब की एड्स है, हमारी एड्स भी देख लिया करो दोस्तों। थैंक यू सो मच जो जो हमारी एड्स पूरी देखते हैं। अगर आप हमारी एड स्किप करते होते हो तो फिर हमें फिश और कुकू को थोड़ा लेस मनी मिलता है, बट अगर आप पूरी एड देख लेते हो तो फिश और कुकू को थोड़ा ज्यादा पैसे मिलता है। अगर आप इंटरटेन होते हो, हमें पसंद करते हो, प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, रोमांस करते हो, तो एड पूरी देख लिया करो। दोस्तों, बहुत दिनों से कीरत ना पीछे पड़ी हुई थी कि चीकू को नहलाना है, चीकू को नहलाना है, तो आज सुनो ये हाथ पे चढ़ा है, ठीक है, इसको नहला लिया जाए। इतने दिनों से हम चीकू को ना वेट वाइप से ही साफ करते आए थे, सिंक हमने साफ कर ली है, ठीक है। और अगर आप भी अपने छोटे डॉगी को सिंक में नहलाना चाहते हो तो याद रखना, केमिकल से मत साफ करना। हमने जैसे नॉर्मल साबुन से साफ करा है इसको, ठीक है, फिर वो क्लीन हो गया, ब्रश वगैरह से अच्छे से कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ चीकू का स्पा बनाएंगे प्रॉपर। आर यू रेडी? स्पा बनाने के लिए इसको करते हैं बंद और कोसा पानी चला लेते हैं, ज्यादा गर्म भी नहीं, कहीं मेरा लड़का बेहोशी हो जाए। लड़का भी अपने बाप पे गया गाइस, स्पा तो लेगा जो आज ही सोएगा जो बेहोश हो। ओहो हो, कीरत पूरी फील लेते हुए। और ये देखो, लड़की ने कब से रोज पेटल सेव करी हुई थी चीकू के लिए। चीकू को पता लग गया कि उसको नहलाने जा रहे हो, भाग रहा है इधर उधर। मेरा बेबी, मेरा गुग्गा, मजा आई। और अभी पापा सोप लगाएंगे। सिर्फ हाफ बात बन दी है, चिकन वाली चीकू फुल बात लेगा। यू आर गोना स्मेल सो गुड बाय चिकू। दोस्तों, बहुत भूख लग रही है तो मैंने काम से ले लिया ब्रेक। हम बनाने वाले हैं सोप रोट्स हैं और चिया सीड्स की पुडिंग बनाएंगे। बड़ी ज्यादा भूख लग रही है भाई। कीरत कह रही है कि अगर अभी प्रोटीन खा रहे तो रात को मत खाइयो। जो हुक्म हो आका, जो हुक्म हो आका। और बताओ दोस्तों, मेरा तो बड़ा मन है जब से मैंने इंस्टाग्राम पे, मतलब आप लोगों ने भी मेरी शॉर्ट देखा होगा, वो नहीं होते क्या बोलते हैं लोग अपने ऐसे पुडिंग बना के रख लेते हैं छोटे छोटे डब्बों में, मेरा दिल है वो करने का। एक डालेंगे डेट। आजकल दोस्तों यही डेट्स मिल रही है मुझे, मेरी बीवी तो मुझे डेट्स पे लेके जाती नहीं है। बाय द वे, कल रात को मैंने की रहते एक मूवी देखी थी कंप्यूटर करके, द कंप्यूटर। हमने पहले लगाई मद्रास कैफे, फिर ना वो मुझे लगा कि फैमिली मैन देखा हुआ है तो वैसी सी स्टोरी थी, तो फिर मैंने बड़ी जल्दी बंद कर दी, शायद किसी और दिन देखूंगा। फिर हमने लगाई कंप्यूटर, काफी अच्छे रिव्यूज थे नेटफ्लिक्स पे, सो या वी वॉच दैट। अगर आप देख रहे हो कि मैं इतनी दूर से कैसे व्लॉगिंग कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ ये मुझे पोजीशन में रख रहा है, तो मैं डीजे का गिम्बल यूज कर रहा हूँ। यू कैन डेफिनेटली बाय इट इफ यू एवर प्लान गो ऑन लाइक फैमिली ट्रिप्स पे जाने जाते हो और आपको अगर एक बड़ा ही प्रोफेशनल सेटअप चाहिए एट अ वेरी लेस अमाउंट, तो डीजे इज द ब्रांड। मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, दिस विल फॉलो मी एनीवेयर आई गो, सो आई डोंट हैव टू वरी लाइक दैट। और अब इसकी टेक्नोलॉजी भी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि ये एडवांस हो गया है, तो पहले ये थोड़ा थोड़ा मिस मारता था। लाइक अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपका आप चल रहे हो तो कभी कभी आपको थोड़ा मिस कर देता था, बट जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है दीज ब्रांड्स आर डूइंग क्रेजी वर्क। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अमेज़न से आप ले सकते हो, इंडिया कनाडा यूएस हर जगह अवेलेबल होता है। इनफैक्ट अगर खुद के लिए नहीं लेना तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो जो व्लॉगिंग वगैरह शुरू करना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कोई आपका भाई बंधु शुरू कर रहा है यूट्यूब वगैरह, फुल सपोर्ट दो यार। स्टार्टिंग में तो बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है, बहुत लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, बट आपको डीमोटिवेट नहीं होना, आपको सिर्फ अपनी सुननी है, लोगों का काम है कहना, लगे रहो, करते रहो, और जो दिल में आए अपना उस चीज को फॉलो करो। इट्स बेटर टू ट्राई समथिंग, सी इफ यू आर सक्सेसफुल और नॉट, किसी भी चीज में, ब्लॉगिंग नहीं, किसी भी चीज में। कल को अगर नहीं भी कामयाब हुए
देन यू कैन थिंक यार ट्राई तो किया था जो ऑनेस्टली हमें नहीं पता था कि वी विल गेट सो मच ऑफ लव और हो सकता है आपको हमसे भी ज्यादा लव मिले या आपको किसी और से भी ज्यादा लव मिले मतलब मैं हो सकता है यू बी द नेक्स्ट बिगेस्ट ब्लॉगर यू नेवर नो. आप यार ये सोचो मतलब मैं तो लिटरली बता रहा हूँ मैं खुद लोगों को एजुकेट करता हूँ अबाउट मार्केटिंग. ये फर्स्ट टाइम था कि मैं भी कंफ्यूज हो गया इसकी पैकेजिंग से. मुझे लगा था इसमें ना ऐसे थोड़ा प्लांट सा बना हुआ है और लीन फिट ब्रांड था. इनके साथ में जो दो प्रोडक्ट्स रखे हुए थे ना साथ में. अच्छा चलो आपको एक और बात बताता हूँ. तो कुशाग्र अपनी पिछली कंपनी में बिफोर ही वॉज वर्किंग गूगल ही यूज टू वर्क इन कंसल्टेंसी फर्म जहां पे मेन काम कुशाग्र और उसके जैसे और लोगों का ऐसे होता था मतलब ये बहुत कॉमन है कंसल्टेंसी फर्म में करते हैं. तो कोई उनके बहुत बड़े स्टोर उनके क्लाइंट थे उनका काम होता था ये किरण कुशाग्र का ये बताना कि कौन से प्रोडक्ट को किसके साथ रखोगे तो लोग इम्पल्सिव बाइंग से भी शॉपिंग करते हैं. फिर कौन सी वाली ऑफर रखने का अगर आप देखते हो ना बाय थ्री गेट वन फ्री तो लोगों को तो रहता है फ्री मिल रहा है बाय टू गेट टू फ्री बट एज अ स्टोर वो उनकी सेल्स बढ़ा रहे होते थे ठीक है. एंड उसके बाद कंज्यूमरों को कितना ही फायदा होता था ये सब कैलकुलेट करते थे. तो एज अ कंसल्टेंसी फर्म सो बेसिकली ये प्रोडक्ट और एक और प्रोडक्ट था जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन था दोनों साथ रखे हुए दोनों की ऑलमोस्ट जो पैकेजिंग थी सिमिलर थी ठीक है. और मैंने ये उठाया मैं कब से खा रहा हूँ मुझे लगा मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन खा रहा हूँ. फिर बात की समझा कहते ये तो सिर्फ वैनिला फ्लेवर का बना हुआ है दिस इज नॉट प्लांट बेस्ड. अब हम लेके आएंगे देखते हैं. बात करते करते बन गया है दोस्तों मेरी पुडिंग हैवी है इजीली इसमें अराउंड 400-450 कैलोरीज होंगी बट मेरा पेट भर जाएगा इससे. मैं ऑलमोस्ट दिन में कोशिश करता हूँ 1500-1600 कैलोरीज लूं बट हो गया 1800 ही हो जाता है. लड़के ने हमारा फर्स्ट बाथ ले लिया है पूरे घर में उत्थम मचा लिया खुशी की लहर आई है. तो तू ऐश कर मम्मा सब तो देंगे ऐश कर खुश है भाग रहा इधर से उधर. आज एक बार ही कर दिया कह रहे जिंदगी में एक ही बार नहाना था आज नहा लिया मैं दोबारा मत नहा देना. पर खुश भी है नहा के खुश है. अरे कितना एक बार पानी कर उसको इतना ऐसे प्यारा लग रहा है. क्या देखें थोड़ी देर के लिए 20-25 मिनट की मैंने रेस्ट ले ली है. आई एम गोना वॉच एमिली इन पेरिस सीजन 3 मैंने देखा नहीं मैं भूली मन लगे मेरे को पता ही नहीं था मैंने सीजन 3 नहीं देखा. दोस्तों कीरत बना रही है घर पे ब्रेड क्या बात है सावड़ो ब्रेड और मैंने अपना स्टार्टर भी रख दिया इधर. ब्रेड वाली आंटी बनेगी कीरत देखो यार क्या निकलता है एक्सपेरिमेंट बढ़िया निकलती है. पीछे जो आवाज आ रही घूम वो मशीन से आ रही है वो कैसे करती है ऐसा लग रहा है वॉशिंग मशीन चल रही है छोटू सी. चल मैं जिम निकल रहा हूँ बाय. ओके बाय बाय आई लव यू. काफी दिनों से मेरा प्री वर्कआउट खत्म हुआ है और जिससे कभी कभार मन नहीं करता लेजी होता हूँ और 3-4 दिन से तो अगर मैं चला जाऊँ ना रोज जिम तो 4th-5th दिन तो मैं पक्का ही लेजी हो जाता हूँ. तो मेरा मन कर रहा है प्री वर्कआउट खरीद लूँ तभी जिम जाने की हिम्मत आया करेगी. मुझे तो देखो सच्चा अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये ब्रेड मेकर वर्थ इट है कि नहीं. मैं अपोज नहीं कर रहा इसका क्योंकि मुझे लग रहा है बट हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ढंग से. सेकेंडली कीरा मेरे को बता रही है सेम चीज अवन में भी होती है. सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर डिफरेंस. सो मैंने डिसीजन मेकिंग कीरत पे छोड़ी हुई है कि भाई तू देख ले कि क्या डिसीजन ले रहे थे को. डर के नहीं दोस्तों वैसी क्योंकि उसको बनाना है उसको यूटिलाइजेशन कितनी करनी है इस चीज की इससे मेरा कोई डिपार्टमेंट नहीं है. तो कीरत मुझे बता रही थी गैस पे सब कुछ बन सकता है जो इंस्टा पॉट पे बनता है फिर भी हम इंस्टा पॉट से कितने सुखी है. मैं कहूं बात तो बहुत ज्यादा वैलिड है. तो अगर तुझे ऐसे ही ब्रेड मेकर का लगता है तो डेफिनेटली $160 की फिर चीज है फिर ये वर्थ इट होगी क्योंकि आप इतने की तो 16 में मेरे ख्याल से 12-15 की तो ब्रेड ही खरीदते हैं महीने की. तो ऊपर से प्रेजर्वेटिव जीरो है आटे में ब्रेड बन के आएगी ठीक है. आटा कोकोनट ऑयल ये तो मतलब बहुत हेल्दी ब्रेड बनेगी तो तुम खा सकते हो इटालियन टाइप्स. बाकी शिवरात्रि आने वाली है दोस्तों सबको बहुत 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 हैप्पी शिवरात्रि ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू शिव जी ब्लेस यू. जो भी होश हुआ चीका जो भी होश चीकू उठो मेरा बेबी उठो. पापा ने नई नई कराई जी मेरे चीका नु इन्नी प्यार ना पापा ने नई नई कराई जी इन्नी सॉफ्टली बस मेरा चीका बस निन्नी कर रहे निन्नी 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 जो नई नई करके बेहोश हुआ है मेरा बच्चा. और मेरे लैपटॉप को पता नहीं क्या हुआ चार्ज ही नहीं हो रहा दोस्तों. और चीज में बात करना चाहता हूँ उससे पहले मैं भूल जाऊँ थैंक यू कहना चाहता हूँ इतने सारे लोगों को जो इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स छोड़ते हैं जो डीएम भेजते हैं हमें बहुत ज्यादा आप सपोर्ट करते रहते हो चैनल को. एंड मुझे पता है कि कई लोगों ने सॉरी भी कहा कि हम कमेंट नहीं कर पाते हमें वीडियो एंजॉय करके लाइक करके चले जाते हैं. इट्स ओके आई नो हर व्लॉग के बाद आपको ऐसे लगता होगा कि यार मैं नेक्स्ट क्या देखूं तो वो भी चलता है बट एज लॉन्ग एज आप लोग इतना प्यार करते हो हम दोनों को और चीकू को भी सो मींस द वर्ल्ड टू अस एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग सो सपोर्टिव.
उनको भी हेलो कहना चाहता हूँ जितने लोग अभी भी चैनल पे जुड़े हैं, जो पिछले हफ्ते से या फिर इस हफ्ते से जुड़े हैं। सो हाय, मेरा नाम है फियांशु। घर पे आपने कीरत को देखा होगा और आज चीकू का नहाने का दिन था, सो आप तीनों से मिल ही लिए हो। एक और बात बताता हूँ मैं, मेरा एक थोड़ा सा ना मूड थोड़ा सा ढीला लटक सा है। उसका रीजन है कि जो टेस्ट मैं दे रहा हूँ वो भी किसी और ने भी दिया, एंड दैट गाइज प्रिटी स्मार्ट, प्रिटी इंटेलिजेंट, एंड ही इज एट अ वेरी हाई पोजीशन इन पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, कौन सी सिटी से मैं ये नहीं बता रहा, बट इन कनाडा। सो ही वाज नॉट एबल टू क्लियर द टेस्ट। अब बहुत लोग बोलेंगे, अब कई लोग तो बोलते हैं कि यार ये टेस्ट इजी है, बट ये वही लोग हैं जिन्होंने टेस्ट दिया नहीं है, या फिर दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड जिन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई करके एक ही बार में पास कर लिया। तो जिन्होंने पास कर लिया यार उनके लिए तो आसान है ही है, बट देर ऑलवेज फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर जो एक टेस्ट को ट्रिकी बनाती है। तो जब मुझे पता लगा कि यार वो वाला बंदा जिसने पुलिस के पेपर क्लियर किए हुए एंड ही इज एट अ गुड पोजीशन राइट नाउ, सीनियर पोजीशन पे है, उसको ये वाला टेस्ट नहीं क्लियर हुआ जो टेस्ट की मैं तैयारी दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं और डीमोटिवेट हो गया। मतलब डीमोटिवेट नहीं कह लो, बट थोड़ा सा डर लग गया, एक ये भी तलवार लटक रही है। सो आई जस्ट वांट टू गेट ओवर विद द टेस्ट। मतलब मैं मेरे एक ऐसे पोजीशन आ रही है कि मेरे से शायद अभी मतलब कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही पढ़ाई में, एंड आई एम लाइक जल्दी खत्म हुए फिर उसके बाद में देखूंगा, बट ये गड़बड़ नहीं कर सकते क्योंकि अगर जल्दबाजी में टेस्ट दे दिया बिना तैयार हुए फिर तो भाई काफी सीन है। मतलब देन दोबारा चांस आपको थोड़ा लेट मिलता है, मतलब जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आसपास वाले ने भी उतनी मेहनत की होती है। एंड ही इज अ स्मार्ट गाय। ठीक है, मतलब कई होते हैं ना कि जैसे मान लो किसी चंपू का नहीं टेस्ट क्लियर हुआ तो तुम इतनी टेंशन नहीं लेते, बट अगर किसी पढ़ते मेरे बच्चे का भी टेस्ट क्लियर नहीं हुआ फिर तुम्हारी फट जाती है, ओहो उसका भी नहीं हुआ। सो यार दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। हाँ तो मैंने कोई पूरा दिन पढ़ाई नहीं की, सारा दिन ऐसे बैठ के काम करता रहा मैं। दुख दुख हो रही, दुख 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 हो रही कि यार क्या होगा टेस्ट में, क्या होगा, बढ़िया नंबर से पास हो जाऊं तो मतलब, और मेरे को सिर्फ पास नहीं होना, मेरे को अच्छे नंबर लाने, बाकी फर्क सिर्फ इतना है पास फेल का। अच्छे टॉप कर लोगे पास हो जाओगे तुम, सेम ही डिविजन है, कोई ऐसे अलग से कोई चीज नहीं है, बट एक खुद की नॉलेज को टेस्ट करने को होता। तो देखो अभी तो फिर भी टाइम पड़ा है, बट वही होता ना, इट इज मेकिंग यू नर्वस नाउ, एंड ऐसे तो मैं किसी मीटिंग के लिए नर्वस ना हूं, बट कभी कभार जब अब पढ़ाई इतना टाइम बाद किया तो वापस से उस वाली चीज में घुस रहे हो ना, फिर आपको लगता है नहीं नहीं। और यार इतने मैंने सच बताऊं, मैं लोगों से बात करता हूं, ठीक है, तो कोई बोलता है जिसको पता है कि मैं चलो ये टेस्ट दे रहा हूं, वो कहते हैं ये तो बड़ा आसान टेस्ट है, मैंने तो देखा हर कोई कर लेता है। यार ये बोलने वाली बातें होती है, हर कोई कर लेता है, ठीक है, इट इज नॉट दैट इजी। वही दोबारा से बता रहा हूं ना, एक तो आधे से ज्यादा ना मार्केट में नाम खराब हो जाता है कि एक तो जिन्होंने पहले ये टेस्ट क्लियर किया हुआ है, मैं ये जरूर मानता हूँ वो भी ये बात मानते हैं कि तब इतना मुश्किल नहीं था टेस्ट, अभी मुश्किल हो गया और आने वाले एक दो सालों में और मुश्किल होएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मैं अभी पहले ही दे दूँ। पहुंच गए हैं जिम, दोस्तों जिम हो चुका है, आज ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करी, सिर्फ शोल्डर्स लगाया है क्योंकि जिम जाने का दिल था नहीं, बट अब आ गए थे तो कुछ हल्का फुल्का कर लिया, ज्यादा पुश भी नहीं किया और जिम भी कर लिया, सो विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। दोस्तों घर पहुंच गया मैं, आजा मेरा बेबी, आजा मेरा बच्चा, आज 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 मेरा, ओए होए आंखें तो गीली पड़ी है, रो के हटा की रात, ये देख रहे हो, दिस इज हिज लव लैंग्वेज। इधर मेरी जान का टुकड़ा है तू, क्या है तू, मेरी जान का टुकड़ा, पता किसके लिए आया था तू, उसकी जान का टुकड़ा बनने, और अब तो किसकी जान का टुकड़ा है, तो मेरे पापा की जान का टुकड़ा। मेरा यकीन मानो मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी किस्तियां किसी डॉग को नहीं करी। ओए होए 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 होए, इतना एटीट्यूड लड़की में आ गए दोस्तों, मास्टर शेफ कहीं की, ये बता दे, ओए होए इधर तो देख लो, प्रैक्टिस मेक्स द वुमन परफेक्ट। कुका या लव यू, लव यू मोर, इधर तो देख ले, तो देख ही नहीं रही, ओए होए ब्यूटीफुल, ओए होए सुशील सुंदरी, आए एक टाइम तक आई थी ये लड़की पूछ रही फिशी नमक तो नहीं चला हो गया, आज की खुद ही ब्लैक पेपर डालते हैं, एक्सपर्ट है क्या, आए द टंकर शेफ, नॉट सू शेफ एनीमोर। इतनी तगड़ी लॉन्ड्री है दोस्तों, 100 साल के कपड़े की रहते हैं एक साथ धोए बैक टू बैक बैक टू बैक, तो वहाँ मूवी देखेंगे और ये तय करेंगे सारे। दोस्तों आटा बने हुए अभी हो गया है टाइम, 1.5 घंटा हो गया, देख आटा कितना राइज हुआ है, ओ वाओ हो गया है काफी राइज, अभी मुझे लग रहा है सुबह तक और हो जाएगा बढ़िया, दूसरा स्टार्टर भी देखती हूँ, ये भी हो गया अभी और होएगा, ये इतना सा था इतना हो गया है, बबली देखो यहाँ तक जाके डिफ्लेट होएगा। मैंने पूरा प्रोसेस कि कैसे मैंने स्टार्टर बनाया, कैसे फीड किया,
और कैसे इस मशीन में मैं बना रही हूँ पूरा, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने चैनल के लिए, तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आ जाएगी रेसिपी डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में समझाने लगी ना स्टेप बाय स्टेप। हाँ, ट्रेसलर चीज वाली भी वीडियो मैंने डाल दी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप नहीं कर सकती। सो मैं अपने चैनल पे वैसे वाले शौक पूरे करती हूँ, मजा आ जाता है मुझे। भाई साहब नहीं पागल, मैंने बनाया था इतना था, दिखा निकाल दो, तो नाइट टाइम रूटीन डन, और ये लड़का देखो बैठा आराम से हंस रहा है, हंस रहा है, हंस बहुत सेक्सी रील डाली है। इस वीडियो को बाय बाय करने से पहले जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मेरे को, कीरत और चीकू को भी। बाय, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, ब्ला 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 ब्ला। सुबह सुबह मुझे प्लीज उठा दियो, सो दैट आई कैन सी कि मेरी ब्रेड का हाल क्या है।